नमस्कार, मैं हूं रविकांत। आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। पति ने की पत्नी के साथ मारपीट, बदला लेने के लिए आया साला। बीच बचाव करने वाले युवक की फायरिंग से मौत। कामा थाना क्षेत्र के गांव गुंडगाम में बहन के साथ मारपीट करने के बाद जीजा से बदला लेने के लिए साला बहन के गांव पहुंचा, जहां अवैध हथियार से जीजा को मारने का प्रयास किया तो एक युवक बीच बचाव करने आया, जिसे बीच बचाव करना भारी पड़ गया और गोली लगने से युवक शब्बीर की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया तथा गोली मारने वाले युवक को मौके से हिरासत में ले लिया। डीएसपी प्रदीप यादव ने बताया कि कामा थाना क्षेत्र के गांव गुंडगाम में शौकीन ने अपनी पत्नी बसीमा के साथ घरेलू विवाद के चलते मारपीट कर दी, जिसके बाद पत्नी ने अपने गांव नंगला मुबारक अपने परिजनों को मारपीट की घटना बताई, जिसके बाद बसीमा का भाई आरोपी अलीम अवैध हथियार लेकर अपने जीजा के साथ बदला लेने के लिए गुंडगाम पहुंच गया और अवैध हथियार से फायरिंग करने लग गया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर साबिर पुत्र मोहम्मद दीन बीच बचाव करने के लिए मौके पर पहुंच गया, जहां आरोपी ने उसकी गर्दन में गोली मार दी, जिससे वह मौके पर ही गिर गया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरोपी को पकड़कर धुनाई कर दी और अवैध हथियार व कारतूस आरोपी से बरामद कर कामा थाना पुलिस को सूचना दे दी, जहाँ कामा थाना अधिकारी दौलत साहू के रीडर कप्तान सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच गए और गोली लगने के बाद घायल हुई युवक को कामा अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं मौके से आरोपी अलीम एवं उसकी बहन बसीमा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया तथा गांव में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया है। मृतक युवक के शव का सुबह पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया जाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो दोस्तों, कामा विधानसभा क्षेत्र की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे आरडी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना नहीं भूलें व हमारी सभी खबरों को अपने दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों। मामला ये था कि अपने मतलब जीजा जी को मारने के लिए आया था, तो जीजा जी को मतलब मारने को फायर कर रहे थे। तो गांव वाला एक लड़का मतलब भाग के मतलब पड़ा कि ऐसे कैसे फायर कर रहा है, तो इसलिए उसको एकदम से गोली से दबा दिए। मृतक का क्या नाम? नहीं, सब भी नाम था उसका। मारी गोली किसने थी? मारी गोली है गोलाबाज का लड़का है। नाम उसकी बहन रहती है यहाँ पे हमारे पास गुंडगाम में। क्या नाम आपका? पप्पी जी। एक फायरिंग से एक की मृत्यु हो गई है, जिसमें शब्बी नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और मारने वाला जो व्यक्ति है आलिम है, जो नगला मुबारक जो धोलावास का इलाके का रहने वाला है, उसको डिटेन किया जा चुका है। इसके संदर्भ में भी FIR प्राप्त नहीं हुई है। FIR प्राप्त होते ही विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हत्या के क्या कारण रहे? हत्या का तो अभी तक ये मालूम पड़ा है कि एक जो व्यक्ति है जिसका नाम ये शौकीन है, शौकीन की पत्नी और इसके बीच में कोई विवाद था, जो इसके आरोपी की बहन लगती है, उसके चक्कर में आया था। और ये जो मृतक है, ये बीच बचाव में इसके गोली लगना अभी तक का जो अभी प्राइमरी अभी मालूम पड़ा है, और बाकी जो होगा अनुसंधान से स्पष्ट हो जाएगा। आरोपी से क्या हथियार बरामद कर लिए हैं? अभी कुछ बातें ऐसी है जो अनुसंधान की है, इसके संदर्भ में कोई बात नहीं कर रहा। आरोपी अकेला आया था या और भी कोई इसके साथ थे? अभी अनुसंधान चल रहा है।